हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल टेक्निकल सपोर्ट 10 पर आपका स्वागत है। देखिए और एक SMS आया है, जो देखिए जो स्टिकर है, जो सील है, वो अभी तक नहीं काटा है। ठीक है, देखिए इसका प्रॉब्लम है, डेट ऑन नहीं हो रहा था, टोटल सिस्टम आया था। ठीक है, तो चलिए इसको सीज लाइन में लगा के देखता हूँ जो ऑन होता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हमने लगा दिया। ये देखिए सीज बल्ब थोड़ा सा जल के बंद हो गया, फिर भी देखिए इसको जब हम शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, देखिए ग्रीन और ब्लैक शॉर्ट करेंगे तो देखिए शॉर्ट किया, फिर भी ये फैन नहीं घूम रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट से खोल लेता हूँ, खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ, नहीं तो टाइम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग काट के देखते हो, जानते हैं। ठीक है, चलिए खोल के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने चारों स्क्रू खोल लिया है। खोलने के बाद देखिए अंदर आपको दिखाता हूँ, देखिए कैपेसिटर खुला हुआ नहीं है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और भी चारों स्क्रू है, इसको भी खोलेंगे फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चारों स्क्रू हमने खोल लिया है और इसको हम बाहर निकालेंगे। अभी देखिए कितना धूल वगैरह है और ऊपर से कुछ भी देखिए नज़र नहीं आ रहा, जो फटा हुआ जला हुआ है। फिर फ्यूज़ भी ख़राब नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेता हूँ, फ्यूज़ ख़राब है नहीं, फ्यूज़ ख़राब नहीं है। तो हम देख लेते हैं इसका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होके रखा क्या नहीं। ठीक है, सब बाद में करेंगे, देखता हूँ कैपेसिटर में चार्ज है कि नहीं। ठीक है, कैपेसिटर में चार्ज नहीं है, तो चलिए इसको साफ़ कर लेता हूँ, साफ़ करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों चलिए साफ़ सुथरा तो हम कर दिया, करने के बाद अभी यहाँ पे कुछ फटा हुआ लग रहा है, तो चलिए बारी बारी से इसको चेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, तो मीटर भी देखिएगा, थोड़ा सा जूम किया है इसलिए छोटा हो गया, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, बाजार मूड में रखना है, देखिए ये बाजार मूड में रख कर अभी चेक करना है। देखिए फ्यूज़ ठीक है, उसके बाद डायोड ये वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला ठीक है, मतलब यह पलट के पकड़ के रखा इसलिए इसका वैल्यू नहीं दिख रहा है। और ये कैपेसिटर, और ये भी कैपेसिटर देखिए साउंड दे के छोड़ रहा है और थोड़ा सा वैल्यू दे के छोड़ रहा है, ये हो गया। उसके बाद ये डायोड, एक डायोड और ये 13,007 शॉर्ट नहीं है, और एक 10 ओम रेजिस्टर ये वाला, और एक 13,007। ये भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा, और ये इसको देख लेता हूँ, तो चलिए ये जेनर डायोड है जो शॉर्ट दिखाना चाहिए था, शॉर्ट नहीं है। उसके बाद ये वाला देखिए 2N60, उसके बगल में है एक 10 ओम्स, मतलब ये 2N60 ठीक है, ये 10 ओम्स ओके है, मतलब ये सेक्शन ठीक है। तो चलिए फिर भी चेक कर लेता हूँ, ये जेनर डायोड 82 ओम्स रेजिस्टर है, देखिए 82 का दिखा रहा है 128, तो ठीक है ये जेनर डायोड है। दूसरे तरफ पकड़ेंगे तो इसका वैल्यू दिखेगा, देखिए वैल्यू दिख रहा है। और ये मिडिल में आपको ब्लैक रखना है ये 945 चेक करने के लिए, और दोनों तरफ इसका वैल्यू दिखेगा देखिए। और जब मिडिल में ये रेड रखेंगे और दोनों तरफ आप ब्लैक देंगे तो कोई वैल्यू नहीं दिखेगा, देखिए ठीक है, ये बोर्ड में चेक करने का तरीका है। और एक है ये आपका 1K रेसिस्टर, और देखिए 56 ओम्स का है, ये भी 56 ओम का है, और इसका ऑक्टोकपलर है यहाँ पे, इसको देखिए जब इस तरफ पकड़ेंगे ब्लैक 2N60 जो 2N60 जो ट्रांजिस्टर है ऐसा बोर्ड होगा, तो इस तरफ देखिए इस तरफ पकड़ेंगे तो रेड और दूसरा तरफ ब्लैक, तो ये वैल्यू दिखेगा 600+, और दूसरा तरफ पकड़ेंगे तो देखिए कोई वैल्यू नहीं दिखेगा। ठीक है, सच्चा मतलब ठीक है, और ये दोनों तरफ ही दिखेगा वैल्यू, दिखेगा थोड़ा ज़्यादा बहुत दिखा देगा,
ए वाला तो ठीक है, हॉर्स सेक्शन तो ठीक ही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखते हैं ये जो डुअल राइड है ये शॉर्ट दिखाएगा। उसके बाद ए वाला दोनों तरफ दिखेगा, मिडिल में नहीं दिखेगा। तो देखिए मिडिल में नहीं दिखाया, कोई भी ए पॉट लगा लो ये दिखेगा। और देखिए रेड पकड़े और ब्लैक पकड़े, देखिए ब्लैक दे दिया फिर भी देखिए भालू दिखा रहे, मतलब शॉर्ट नहीं दिखा रहे। उसके बाद ये देखता हूँ 9-4-5 दोनों है इसको भी, तो ये भी ठीक है। उसके बाद चेक करता हूँ ए वाला छोटा वाला, आपको बहुत बार वीडियो में दिखाया है ए वाला छोटा वाला जो कहा गया, कैपेसिटर नहीं दिया है यहाँ पे, कभी कभी देता है कभी कभी नहीं देता है। तो चलिए चेक कर लेता हूँ 12 वाला आईसी, शॉर्ट दिखाना चाहिए, शॉर्ट नहीं दिखा रहा। तो प्रॉब्लम तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको फिर से हम इसको लगाएंगे करंट पर लगा के देखेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और एसी में चेक करेंगे इसको। तो चलिए हमें करंट लगा दिया और देखिए सीरीज लाइट भी थोड़ा सा जल गया। तो चलिए अभी क्या करेंगे इसको, कहीं यहाँ पे लूज कनेक्शन नहीं तो है, एक बार शॉर्ट करके भी देख लेता हूँ, नहीं हो रहा। तो चलिए शॉर्ट करके रखता हूँ यहाँ पे, ये ट्वीज़र से शॉर्ट करेंगे, देखिए फिर भी नहीं चल रहा है, देखिए शॉर्ट किया फिर भी नहीं चल रहा है, तो इसको शॉर्ट करने के रख देता हूँ। और ए वाला जो मीटर है, मीटर को हम डीसी 200 में रखेंगे, रख दिया ना। और क्या करेंगे यहाँ पर जो नेगेटिव है, कैपेसिटर का जो नेगेटिव है, मतलब इस तरफ इसको पकड़ेंगे, ठीक है, ब्लैक पॉट और आपका ये ऑक्टोकपलर में लगाएंगे। तो देखिए वैल्यू ठीक ठाक ही है, इसमें भी देखता हूँ इसका भी वैल्यू ठीक ठाक है। अभी डीसी में रखने के लिए डीसी जो ब्लैक पॉट है उसको रखने के बाद ये ऑक्टोकपलर आउटपुट में लगाता हूँ, देखिए 4.5, ये भी 3.4 दिखा रहा है। तो चलिए ये बारी बारी से चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे ये 9-4-5 दोनों को, देखिए 9-4-5 को चेक किया, एक को दिखा रहा है ये 3.8 दिखा रहा है एक को, तो इतना ज़्यादा दिखा रहा है। तो चलिए उसके बाद दूसरा को देखता हूँ, ये ठीक है वोल्टेज, ये 3.8 दिखा रहा है जो ये कॉयल होकर आया है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो चलिए ये बड़ा वाला जो आईसी होता है, आईसी का पहले वाला देखता हूँ 9, दूसरा वाला देखता हूँ 9.9, तीसरा वाला देखता हूँ 1.2, चौथा वाला तो नहीं दिखेगा, तीनों दिखेगा। उसके बाद 5 वोल्ट देखता हूँ, 5 वोल्ट ठीक है, पीएस देखता हूँ, इतना तब तो नहीं आया है वोल्टेज, ठीक है, तो अब तक तो ठीक ही है। देखिए ऐसे प्रॉब्लम हुआ होगा तो थोड़ा सा चल रहा है, मतलब ये फैन का फैन देखिए थोड़ा सा घूम रहा है, मतलब कोई डाइसोल्ड होगा शायद, क्या किया, मतलब देखिए आप ए वाला प्रॉब्लम भी देखिए थोड़ा सा घूम के बंद हो रहा है, देखिए देखिए हमने शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, तो देखिए फैन इसको घूम के छोड़ेगा, तो चलिए इसको पोर्ट को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, देखिए अभी नहीं चल रहा है, तो कब चले, देखिए थोड़ा सा घूम रहा है, देखिए ऐसे 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 करेंगे शॉर्ट करेंगे तो थोड़ा सा घूम रहा है। तो देखिए ऐसे प्रॉब्लम हुआ है तो डायरेक्ट हम 13,007 को हम चेंज करेंगे, जब भी थोड़ा सा घूम के छोड़ेगा और ऐसे प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं कैपेसिटर चार्ज हुआ कि नहीं, ठीक है, देखिए कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ है, चार्ज हुआ था मतलब सर्किट ओके है इसलिए चार्ज नहीं दिखा रहा था। तो
चलिए ये तो ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम इसको 13,007 जो है उसको हम चेंज करके देखेंगे। तो चलिए पहले कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये हमने कैपेसिटर को निकाल लिया, 13,007 को चेंज करके देखेंगे पहले बारी, फिर दूसरा फिर भी नहीं हुआ तो दूसरा काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए 13,007 का थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह हुआ है, और देखिए ये हीट भी हो रहा था, देखिए ये हीट सिंक जो है हीट हो रहा था, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, मतलब 13,007 ही है, इसे थोड़ा सा घूम के छोड़ेगा तो, और नहीं भी छोड़ेगा सब ओके है, आपका वोल्टेज आउटपुट इनपुट जो है कोल्ड सेक्शन हॉट सेक्शन सब ठीक है, फिर भी नहीं चल रहा तो आपको डायरेक्ट ये 13,007 को चेंज करना है, ठीक है। चेंज करने के बाद बारी बारी से चेक करना है, फिर नहीं होगा तो फिर दूसरा चेक करेंगे। तो चलिए ये हमने इसे खोल दिया, थोड़ा सा जो ये साफ कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमने साफ कर लिया, ठीक है। साफ करने के बाद अभी हम 13,007 दोनों को लेंगे, देखिए दोनों को लिया है, और ये दोनों जो है ये भी पुराना वाला जो ओल्ड वाला जो बोर्ड है वो बोर्ड से हमने लिया है। तो चलिए चेक कर लेता हूँ, मीटर को यहाँ पे रख देता हूँ, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए बजर मोड में रखना है, रखने के बाद ब्लैक पोर्ट लगाना है हीट सिंक में, और राइट में लगाना है रेड, और लेफ्ट में लगाना है तो वैल्यू दिया 500 की प्लस कुछ 500 प्लस। ये भी देखिए यहाँ पे लगाया तो नहीं दिखा, दूसरा तरफ लगाएंगे तो देखिए वैल्यू दिखा रहा है 500 प्लस, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से लगा लेता हूँ, ठीक है, लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 13,007 दोनों को लगा लिया, और ये ख़राब वाला यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम ये लगाएंगे कैपेसिटर, ठीक है, ये फिल्टर कैपेसिटर है, इसको हम लगाएंगे फटाफट से। तो चलिए इसको सोल्डरिंग भी कर देता हूँ, सोल्डरिंग कहाँ पे है, एक को कर दिया, दूसरा को बाद में करेंगे, अभी जल्दी जल्दी में करना है, वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया। देखिए SMPS के काम सीखने के लिए आपको फुल वीडियो देखना है, नहीं तो आप समझ में नहीं आएगा कौन से कहाँ से कहा गया है, ठीक है, हम भी नहीं जानते कहाँ से कहा जाएगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहे और देखिएगा, और नए है तो सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, दूसरा कोई वीडियो चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ, उसके बाद देखिए 13,007 जो है उसको भी कर देता हूँ, और ये जो 13,007 हमने लगाया है ये पुराना वाला बोर्ड से, नया वाला को देखिए, एक 13,007 का रुपीस मिलता है 10 रुपया 12 रुपया में, ठीक है, और हम पुराना वाला जो SMPS जो क्रैप है जो नहीं रेडी होता है एकदम से नहीं रेडी है उसका, उससे खोल के रखा है, ठीक है, फेंकना क्यों। तो चलिए ये हमने सोल्डरिंग कर दिया, यहाँ पे अच्छा से करना पड़ेगा, हाँ ये हमने सोल्डरिंग कर दिया। तो चलिए अभी इसको कांच में लगा के देखता हूँ क्या होता है, ठीक है, चलता है कि नहीं, जो काम करते हैं वो डायरेक्ट करते हैं, कोई इसमें बाद में की बात नहीं है। तो ये हमने लगा दिया, और आपको दिखा भी नहीं, सीज लाइन तो दिखा भी नहीं शायद, तो चलिए इसको फिर से हम लगा के देखते हैं, ठीक है, इसे बंद कर दिया, देखिए देखिए सीज लाइट जल गया और बंद भी हो गया, और हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है, शॉर्ट करने से बाद भी देखिए ये घूम के, देखिए थोड़ा सा घूम के देखिए बंद हो रहा था, बंद हो जाए तो इसके बाद चेक करना है दूसरा। अभी इसको रखेंगे 200 में और देखेंगे आउटपुट में ये वोल्टेज आया कि नहीं, वोल्टेज तो आया है थोड़ा कम,
1.2, 1.1 ऐसे वोल्टेज आया है। तो वोल्टेज आ रहा है मतलब कम आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है। वोल्टेज आ रहा है मतलब वोल्टेज ये आउटपुट में वोल्टेज कम आ रहा है। देखिए आपको दिखाता हूँ, देखिए मीटर में देखिएगा, ठीक है। देखिए 200 में रखा और ये ब्लैक में रखा और ये येलो। देखिए वोल्टेज आ रहा है 2.3 और जो 5 वोल्ट होना चाहिए था वो देखिए 1.9 समथिंग। और देखिए तो वोल्टेज एकदम सही कम है। तो चलिए इसका सॉल्व पहले ढूंढ लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे प्रॉब्लम हुआ तो पहले तो 13,007 को ही चेंज करना है, उसके बाद दूसरा चेंज करना है। चलिए पहले ढूंढ लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो छोटा कैपेसिटर होता है अंदर, ये वाला कोई फायरिंग हो रहा था, माने ट्रैक सेम हो रहा था, फायरिंग हो रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हुआ था। तो हमने 13,007 चेंज किया बस, ठीक है। और सारे बोर्ड में हमने सोल्डरिंग कर दिया, देखिए सारे बोर्ड में सोल्डरिंग कर दिया। और इसको देखिए थोड़ा सा शार्प किया, मतलब ट्रैक को हटा दिया थोड़ा सा, ऐसे करके इसका जो निकल था ये शॉर्ट हो रहा था ऐसे आता, तो हम उसको थोड़ा सा साफ कर दिया और एक काम बन गया। और वीडियो में देखेंगे जो कैसे, और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, वीडियो में देखेंगे वहाँ पे तो हमने शॉर्ट वीडियो करके रखा, तो आप वो भी दे देंगे तो आप देख लीजिएगा कैसे यहाँ पे फायरिंग हो रहा था और हमने साफ किया और हो गया। देखिए ये हमने लगा दिया, थोड़ा सा अच्छे से लगाना है, और देखिए आपका SMPS ओके हो गया। तो वीडियो हमें यहाँ पे ऐड करेंगे, देख लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।